सुहेल का फोन क्यों बन जा रहा है? हद होती है लापरवाही की, तैमूर को कॉल करती हूँ। जी सलाम भाभी। तैमूर, सुहेल ऑफिस में नहीं है क्या? कब से उनका फोन बन जा रहा है? नहीं भाभी, सुहेल भाई ऑफिस में नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उनको भेज दिया। पहुंचे नहीं घर? नहीं तो घर तो नहीं आए क्यों? ज्यादा तबीयत खराब थी? नहीं ज्यादा नहीं, बस वो रात भर सो नहीं सके थे तो कह रहे थे मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, हो सकता है रास्ते में हो। अच्छा, रिपोर्ट तो आ जाएंगी ना शाम तक? जी मिल जाएंगी, और फिर मैं वहीं से डॉक्टर के पास लेके चला जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, रमशा सो रही है अभी? हाँ वो ठीक है, सो रही है। फलक अपनी नसरीन खाला की तरफ गई है, तुम्हें बताया उसने? भाभी मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस में, मैं आपको थोड़ी बात कॉल करूँ? हाँ ठीक है। खोल के देखो। फलक कहाँ है? अभी फलक सो रही है। अभी सोने का टाइम तो नहीं है वैसे? वो भी यही कह रही थी, लेकिन मैंने कहा भाई जाओ तुम, जबरदस्ती सुलाया मैंने उसको। बिल्कुल पागल है आपकी गलती। तुम कल रात मेरे कमरे के बाहर बैठी रही जबकि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, कमरे के बाहर नहीं। क्या हुआ? अली को तुमने मना कर दिया, कितनी जिद कर रहा था वो फुटबॉल के लिए। अरे मैंने इसको मना नहीं किया, मैंने उसको बोला है कि तुम सोहेल भाई के साथ चले जाना, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं कर ले आऊंगा, कोई मसला नहीं है। क्यों, भी कहीं जा रहे हो क्या? जी मैं फलक को शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, दे दो जितनी मर्जी ढील, एक दिन इसकी लगाम तो मैंने ही खींचनी है। सदा सुहागन रहे, अल्लाह तुझे खुशियां नसीब करे। अरे फलक, अगर तुम ना आती तो मैं तो भूखे पेट मर जाती। कैसी बातें कर रही हैं खाला, अल्लाह ना करे। अरे क्यों ना करूं इस तरह की बातें, अपनी सगी औलाद तो पूछती तक नहीं है, अब अपनी सोनिया को ही ले लो। कभी कहती अभी आती हूँ, अब का अभी जाती हूँ, सारा सारा दिन बाहर गुजार देती है। अच्छा दवाई खाएं। वैसे एक बात करूं खाला? हाँ बेटा। ये जगह मेरी तो नहीं है बात करने वाली, लेकिन खाला आप सोनिया की शादी करते हैं। शादी कर दूं? वो आपने बोला था ना कि सबिया खाला का बेटा आसिम वो सोनिया को पसंद करता है। अरे छोड़ो, पसंद ना पसंद से क्या होता है बेटा, वो जो सबिया है ना उसकी लगती है सोनिया के साथ, इसे नहीं पसंद करती। वो आसिम की शादी अपने भाई की बेटी के साथ करवाना चाहती है। अगर आप बोलें तो मैं सोनिया के रिश्ते के लिए तैमूर से बात करूं। तैमूर? हाँ तैमूर से, रिश्ते में तो वो उसका बहनोई है ना, और मैं तैमूर को बोलूंगी कि अपने हलके में बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढे। और वैसे भी हमारी सोनिया में किस चीज की कमी है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है, और
फैशनेबल भी तो कितनी है। फैशन में तो उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन बेटा एक और मुसीबत भी तो है ना, यहाँ तो खाने के लिए जान के लाले पड़े होते हैं, शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, तैमूर ने कहा शादी का सारा खर्चा तैमूर करेगा, आपको एक रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये तैमूर हमारा इतना हमदर्द कब से हो गया? क्या सोचने लगी खाला? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, बस मैं ये सोच रही थी कि अगर सोनिया भी अपने घर चली गई तो मुझ बुढ़िया का क्या बनेगा, मैं तो अकेली इसी कमरे में पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं हूं ना आपकी बेटी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, बल्कि आप ऐसा करिएगा कि आप मेरे घर आ जाइएगा, ठीक है? तो हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। पक्का? मेरी प्यारी सी खाला। अच्छा जब लेट जाए थोड़ी रेस्ट कर। अब ठीक हो? लेट जाए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। किचन में बर्तन छोड़ के आती हूँ। हाय कितनी मुसीबत में डाल दिया तुम्हें। सर कल 3 तारीख रात 12 बजे की फ्लाइट अवेलेबल है। ये तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी तो मेरी पैकिंग नहीं हो सकेगी। तो फिर सर उसके बाद 7 तारीख की फ्लाइट है। लेकिन सर 7 तारीख को तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक कह रहे हो, अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं की तो मेरा सारा ट्रिप बेकार हो जाएगा। तो फिर सर कल रात वाली फ्लाइट अवेल कर लें, तैयारी तो एक दिन में ही हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये तुम कंफर्म करके मुझे बताओ और काशिप को बता देना वो मेरे साथ जा रहा है। जी सर वो खुद आ रहे हैं, बाकी की डिटेल्स से कर। ठीक है सर, मैं आपकी सीट कंफर्म कर देता हूँ। ओके। अम्मी को तो बताया नहीं है, और सोनिया उससे तो 1 हफ्ते का कहा था। मैं ट्रस्ट है तभी तो यहां तुम्हारे साथ बैठी हुई हूं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम जा कब रहे हो?